नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और शिवराज कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से। भूपेंद्र जी, एक नई पारी की शुरुआत हो रही है और ख़ासतौर पर अब जो आपकी जिम्मेदारी है वो शासन में बैठकर लोगों को एक अच्छा शासन देने की है। जो विभाग आपको दिए गए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण विभाग ये भी है कि लोगों को समय पर काम मिले, क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को मंत्रिमंडल की 21 दिसंबर को हम लोगों की शपथ हुई। लगभग 4 बजे शपथ संपन्न हुई और ठीक 4:45 बजे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बुला ली और 4:45 बजे उन मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो हमारा दृष्टि पत्र है और संकल्प पत्र, ये दोनों सभी माननीय मंत्रीगणों को दिए गए और ये कहा गया कि हम सब मंत्री अपनी 100 दिन की कार्य योजना बनाए अपने अपने विभाग की और वो कार्य योजना बनाकर हम मध्य प्रदेश में जो सुशासन की हमारी संकल्प है उस संकल्प के लिए हम सब मिलकर रात दिन काम करें और जो जीरो टॉलरेंस का हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है उसको हम सब लोग मिलकर सुशासन के माध्यम से पूरा करें। और उसके पश्चात ठीक दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बस में सभी माननीय मंत्रीगणों को लेकर और भोपाल से दूर जाके हम लोगों ने दिन भर जो एक मंत्री के नाते हम सब की जिम्मेदारियां होना चाहिए और हम सबको मिलकर और हमारे सुशासन के लिए क्या करने की आवश्यकता है, हमने दिन भर वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर डिस्कशन किया। इसके पश्चात फिर 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी हमारे माननीय जो मंत्रीगण हैं फिर सबके साथ बैठे और सबके साथ बैठकर फिर से जो हमारी 100 दिन की कार्य योजना है उसके बारे में बातचीत की और पूरा एक एक विभाग का प्रेजेंटेशन हम सभी के समक्ष, पूरे प्रशासनिक अधिकारी हम सब के समक्ष किया गया। लगभग 10-10 मिनट के आसपास एक एक विभाग का जो प्रेजेंटेशन था हमारा आगामी 100 दिन का और सुशासन के जो हमारे बिंदु थे उस सब पे हम लोगों ने बातचीत की। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 तारीख से, संभवतः 3 तारीख ही थी, 3 तारीख से सभी विभागों के जो 100 दिन की कार्य योजना थी उसकी समीक्षा की। तो इस तरह से रात दिन मेहनत करके सरकार बनने के बाद लोग महीने 2 महीने खुशियाँ मनाते हैं, स्वागत सत्कार होते हैं, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही काम की शुरुआत की और सभी मंत्री रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एक एक विभाग की अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। मेरा जो परिवहन विभाग है इसकी मैं 5 मीटिंगें कर चुका हूँ, हमारा जो IT डिपार्टमेंट है इसके साथ मैं 4 मीटिंगें कर चुका हूँ और इस तरह से जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके साथ मैं मीटिंग करने वाला हूँ। तो इतने कम समय में हम लोगों ने इसके लिए काम की शुरुआत की है। मैंने मंत्री के नाते इस बात का भी प्रयास किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी मंत्रियों से आग्रह था कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों का औचक निरीक्षण भी करें, विभाग में भी देखें और मौके पर जाके भी देखें। और उसके अंतर्गत मैं पिछले दिनों जो हमारा RTO कार्यालय भोपाल है वहाँ पर गया और वहाँ पर देखकर मुझे लगा कि विभाग में और क्या सुधार की आवश्यकता है। उस आधार पर मैंने और कुछ निर्णय लिए और वो निर्णय लेकर जो मेरा विभाग है इसकी जो मैंने 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है, विशेष रूप से इस समय हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा ग्रामीण परिवहन है, जब से हमारा राज्य परिवहन बंद हुआ है तब से जो हमारे घाटे के रूट हैं जिसको हम ग्रामीण परिवहन कह सकते हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टर को कम आमदनी होती है, बस ऑपरेटर को कम आमदनी होती है, वो रूट पर माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत चिंता है कि वहाँ पर हम यात्रियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएँ। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम ग्रामीण परिवहन हमारा कैसे ठीक हो इसको लेकर हम एक पूरी ग्रामीण परिवहन नीति बनाए
और उस आधार पर हम मध्य प्रदेश में हर आम आदमी को ये हमारे प्रदेश में यातायात की सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले और कम दामों पर मिले। बुंदेलखंड से आप आते हैं, छात्र राजनीति, किसानों की राजनीति, युवा मोर्चे की अगर राजनीति, आपने सभी राजनीति की, विधायक भी रहे फिर उसके बाद सांसद भी रहे, आपको क्या लगता है बुंदेलखंड किस मामले में पिछड़ा हुआ है? देखिए, बुंदेलखंड का जो पिछड़ेपन का बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, हमारे इस मध्य प्रदेश के अंदर जो लगातार इन 50 वर्षों में जो सत्तारूढ़ दल रहा, जिसमें से लगभग 40 वर्ष कांग्रेस के पास सत्ता रही मध्य प्रदेश की, और कांग्रेस की सरकार ने कभी हमारे बुंदेलखंड की विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार बनने के बाद, माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, हम बुंदेलखंड में अनेक विकास की योजनाएं लेकर आए और इसलिए आज हम बुंदेलखंड में विकास में आगे बढ़े, परंतु उसके बावजूद भी आज भी बुंदेलखंड हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। और उसको दूर करने के लिए जो प्रमुख रूप से जो उसके उपाय हो सकते हैं, एक तो हमें सिंचाई के क्षेत्र में और काम करना पड़ेगा। घर जाके रोटी खाने से विकास होता है या योजनाएं क्रियान्वित करने से होता है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश में वोट की राजनीति की है और बीच में जब जो कांग्रेस के युवराज हैं, शहजादे हैं, जब वो आए थे यहाँ पर, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे तो मुख्य रूप से उनका फोकस उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को लेकर था, तो वो जब टीकमगढ़ आए तो उनको ये मालूम नहीं था कि ये टीकमगढ़ का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, तो वो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड समझ कर वहाँ पर चले गए। और वो कुल मिला के एक गरीब के यहाँ रोटी खा के फ़ोटो खिंचवा के और ये संदेश देना चाहते थे कि हमें बुंदेलखंड की बहुत चिंता है। और उस कलावती जिसके यहाँ वो गए थे, उसके बाद कोई चिंता उसकी नहीं की, कोई उसके बारे में सोचा नहीं, उनकी केंद्र में सरकार थी, सब कुछ उनके हाथ में था, वो 10-5 लाख रुपए भी चाहते थे उसको भारत सरकार से भिजवा सकते थे, उसके लिए योजनाएं दे सकते थे, काम कर सकते थे, पर वो भूल गए। उसके बाद फ़ोटो खिंचवाने के बाद उनका मूल उद्देश्य फ़ोटो खिंचवाना था, और बुंदेलखंड में जो उनको सफलता नहीं मिली उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो उसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड की तरफ देखना ही बंद कर दिया। उस समय भाषण देते थे कि मैं बुंदेलखंड की पिछड़ेपन से बहुत चिंतित हूँ और बुंदेलखंड का पिछड़ापन दूर होना चाहिए, और पैकेज की बात की तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीम का पैसा भारत सरकार से मिलता था उस पैसे को बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर डाल दिया, और वो पैकेज भी जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और वहाँ पर उनकी पराजय हुई उसके बाद वो पैकेज भी उन्होंने बंद कर दिया। तो बुंदेलखंड हमेशा कांग्रेस के लिए वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने देखा, वैसे तो पूरे देश को ही देखा है, पर विशेष रूप से बुंदेलखंड का पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण ये भी है। कसक क्या है मन में? कि मन में कसक जो है वो ये है कि जिस काम को भी हमें दिया गया है, जनता ने सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस काम को सौंपा है, तो कसक यही मन में है कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे और वो कर सकते हैं। अब मैं परिवहन मंत्री बना तो मेरे मन में उसी दिन से ये है कि हम कैसे अच्छी परिवहन नीति लेकर आए और परिवहन में क्या सुधार हो सकते, क्योंकि परिवहन एक ऐसा विभाग है कि जिसको आपको हर महीने दो महीने में आपको उसकी सारी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा, समीक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो इंटर स्टेट उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये हमारी लगी हुई स्टेट है, राजस्थान है, अब यहाँ की अगर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में ज़रा भी चेंज आता है तो उसका परिणाम ये होता है कि ट्रांसपोर्टर जो होता है वो सीधे जाके उस स्टेट में चला जाता है। अगर टैक्सेशन हमारा दूसरे स्टेट से ज़्यादा है, कल के दिन मान लो यूपी ने टैक्सेशन कम कर दिया, हमारी स्टेट में आज भी ज़्यादा है अगर, तो जो भी व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन होंगे वो जाके यूपी में होने लगेंगे। तो हमें अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को बराबर समय समय पर रिव्यू करना पड़ेगा, समय समय पर उसको करना पड़ेगा, और एक शासन को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन का एक बड़ा ये डिपार्टमेंट है। क्योंकि आपने देश विदेशों की यात्राएं भी की हैं, आपने देखा होगा कि एक परिवहन की जो नीति होती है, जो एक सिस्टम होता है, उसमें ये रहता है कि परिवहन यानी विकास। मध्य प्रदेश में शुरू से ये रहा है कि परिवहन को टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी चलता है जैसा चल रहा है चलने दीजिए, वो परिस्थिति है। बसों में जब यात्री सफ़र करते हैं तो भीड़ बकरियों की तरह ठूसे जाते हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जिनकी आपने चिंता जाहिर की, इसके सुधार के लिए क्या योजना है? देखिए, इसके लिए मैंने जो ग्रामीण हमारी परिवहन नीति है, इसके लिए मैंने एक कमेटी गठित की हुई है,
हमारे जो डिप्टी टीसी है भोपाल में, उनके उसमें कमेटी बनाई हुई है, 5 RTO उसमें मैंने रखे हुए हैं। वो कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ साथ मैं स्वयं भी, जो हमारे पड़ोस के राज्य हैं वहाँ की परिवहन नीति, वहाँ की ग्रामीण परिवहन नीति, उसका अध्ययन करने शीघ्र जाऊँगा। और मेरा प्रयास होगा कि जो 100 दिन के अंदर हम नई ग्रामीण परिवहन नीति, पूरी परिवहन नीति ही हम लेकर आएंगे। वैसे तो हम 2010 में लाए थे, पर अब हम फिर से पूरी परिवहन नीति को एक बार समीक्षा करके, और 100 दिन के अंदर हमारा प्रयास होगा कि हम नई परिवहन नीति लेकर आएँ और उसमें जो सुधार की आवश्यकता वो सुधार करें। अमूमन ये देखा जाता है लाइसेंस की जो प्रक्रिया है, क्योंकि इससे आम जो युवा है वो सीधा जुड़ता है, जो कॉलेज से पास आउट होता है या स्कूल से जो पास आउट होता है, वो साफ तौर पर उसको एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। और आज की डेट में लोगों को ये लगता है कि लाइसेंस लेना एक बहुत दुष्कर कार्य है। इसका सरलीकरण और साथ में जेन्युइन आदमी को मिले, ऐसा नहीं कि लाइसेंस कोई भी लेके चल दिया, दलालों की जो प्रथा है वो बहुत भारी पड़ती है। आपका कहना सही है प्रकाश जी। मैंने अभी जब भोपाल RTO ऑफिस किया तो मैंने वहाँ पर देखा कि लगभग 400-500 की संख्या में वहाँ एजेंट थे RTO ऑफिस में, बहुत बड़ी संख्या थी। और वहाँ कार्यालय में जाने के बाद ये लग रहा था कि जैसे RTO ऑफिस यही चला रहे करके, टेबलें लगी थी बराबर, सब सारा था। अब इस बारे में मेरा ये मत है कि जब हमारे बाकी सब विभागों में, जो जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एयरलाइंस है, रेलवे है, LIC है, इन सभी में जब एजेंट हैं, हम एजेंट को लाइसेंस दे रहे हैं, ट्रेवलिंग का टिकट एजेंट के थ्रू हो रहा है, तो हम इस डिपार्टमेंट में भी क्या हम एजेंट को लाइसेंस देकर और लीगलाइज उनको कर सकते हैं क्या, जिम्मेदार कर सकते हैं क्या, उसके हम रेट वगैरह फिक्स कर सकते हैं कि लर्निंग लाइसेंस का इतना होगा, आपका एजेंट के नाते आपको इतनी फीस से ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो इसके लिए भी मैंने एक कमेटी फॉर्म की है, भोपाल RTO उसको देख रहे हैं। भोपाल RTO को मैंने कहा है कि आप पूरा आप सारा बना के दीजिए कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। वो रिपोर्ट 15 दिन में हमारे पास आएगी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से सहमत होते हैं तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम इनको लीगलाइज करें और इन सबको हम लाइसेंस के रूप में करके, पर हमारी शर्त ये रहेगी कि उस कैंपस में हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। वो जो अपना चैम्बर बना है, जो CA का चैम्बर होता है, बाकी चैम्बर होते हैं, तो एक अच्छी ट्रैवलिंग एजेंसी के रूप में, एक अच्छे लाइसेंस होल्डर के रूप में वो काम करें, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा प्लस लोगों को सुविधा भी हो। आमतौर पर ये देखने में आता है कि छोटे छोटे प्रमाण पत्र बनाने हैं, कोई जिसको कहें कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इनके लिए और ख़ासतौर पर खसरा खतौनी की जो नकल के लिए किसान भटकता है। BJP सरकार ने एक अभिनव योजना शुरू की और ये नियम लेकर आया, अपने विभाग बनाया, जिसकी विश्व स्तरीय प्रशंसा हुई है। इसके लिए आप क्या प्लान, जो जिसको कहें इम्प्लीमेंट टाइम पर हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की चिंता यही है कि कानून बन गया है, विभाग बन गया है, पर उसको सही ढंग से उसका अमल हो जाए ताकि उसका लाभ हितग्राही को मिले। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम सब के लिए गौरव का विषय है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हमारा मध्य प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जिसको हम लोक सेवा गारंटी के रूप में एक कानून बनाकर यहाँ पर लाए, और पूरे दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है, कई देशों ने मुख्यमंत्री जी का सम्मान भी किया। इसमें हम ने काफ़ी काम किया है, हमने हर ब्लॉक लेवल पे अपने सेंटर बनाए हुए हैं, उस सेंटर से पूरे कंप्यूटराइज हमारे सेंटर हैं, और अब हम उन सब की बिल्डिंग भी बना रहे हैं। कुछ जगह हमारा बन भी गई है और बाकी जगह बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, कुछ जगह चल रहा है। उस सेंटर में अभी हम लगभग 57 ऐसे आइटम थे, 57 ऐसे वो थे कि जिनकी हम उनको सूचना या बाकी जानकारी जो भी कापी वगैरह चाहिए वो उपलब्ध कराते थे। अब उसको हम 112-113 के आसपास हम उसमें और चीज़ों को हम जोड़ दिया अभी हमने। और इस तरह से हमारी सरकार का ये प्रयास है कि हम जितनी भी लोगों को, चाहे वो खसरा हो, चाहे खतौनी हो, जो भी आवश्यक है, मार्कशीट हो, ऑनलाइन हो, मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ भोपाल में, और उसको अगर वो अमेरिका के अंदर भी है और उसको ऑनलाइन करके अपनी मार्कशीट चाहिए, मान लो वहाँ वो कोई किसी चीज़ के लिए जाता है और वो कोई पेपर्स आपसे मांगते हैं, तो आप अमेरिका से आके या दिल्ली से आके आप वो पेपर कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम उसको ऐसा डाटाबेस करना चाहते हैं कि आप वहाँ पर क्लिक करिए तो आपको उसकी कापी वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड करके हम उसकी कापी आपको वहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह से
हर विभाग में हम ये लोक सेवा गारंटी के माध्यम से जो हमारे सेंटर हैं, लोगों को सारी जो भी आवश्यकता, जो भी जानकारी, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, बाकी किसानों से संबंधित कोई चीज़ है, तो ये वहीं पर मौके पर उनको तत्काल मिल जाए। मतलब भ्रष्टाचार और लापरवाही खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार और लापरवाही खत्म करेंगे इससे हम, और काफ़ी हद तक इसमें हमें सफलता मिली भी है। आज हमारे सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब स्थानों पर, सभी ब्लॉक लेवल पर हमारे ये सेंटर बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, कंप्यूटराइज हैं, सब है, इसको हम और अच्छा कर रहे हैं। IT का भी चूँकि आपके पास डिपार्टमेंट है, और चूँकि जिस तरह से प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, युवाओं की एक बड़ी संख्या हर साल निकलती है, और IT के मामले में ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अभी तक पिछले 50-60 सालों में कोई भी IT की कोई बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ पाई है। क्या प्रयास रहे हैं? देखिए, IT के क्षेत्र में जो हमारे देश के अंदर, हमारा मध्य प्रदेश जो है वो देश का तीसरा राज्य है जिसके अंदर हम IT के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मतलब हमारे ट्रांजेक्शन में पूरे देश के अंदर हम नंबर 3 पे, बाकी स्टेट हमसे पीछे। तो इस दिशा में हम IT के माध्यम से बहुत आगे बढ़े हैं। हमारा जो IT का कार्यालय है, आपने भी देखा है, मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर किसी राज्य के अंदर इतना व्यवस्थित कार्यालय आपको नहीं मिलेगा। मतलब IT के अंदर जो हमारा पूरा स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा डाटाबेस है, उसको हमारा पूरा डाटा रिकॉर्ड करने की जो सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो देश में शायद कहीं पर नहीं होगी। भारत सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की है। हम IT पार्क बना रहे हैं, हमारा इंदौर का IT पार्क तैयार हो गया, जबलपुर के IT पार्क पर काम चल रहा है, और मुख्य रूप से हमारे सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज है हम IT के क्षेत्र में हमारे राज्य के अंदर निवेश बढ़ाएं। और इसलिए इसके लिए हमने एक पूरी कार्ययोजना बनाई है। हमारे अधिकारियों के साथ मैं 3 बार बैठा हूँ, और 3 बार बैठकर हमने इसकी पूरी कार्ययोजना बनाई है कि हम इसमें जो छोटे छोटे लोग, जो इस सेक्टर के लोग आ सकते हैं, उनको हम कैसे वो करें। और इसके लिए हम एक पूरी कार्ययोजना बनाकर शीघ्र हम पूरा एक इन्वेस्टर जैसा होता है ऐसा IT क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम बुलाकर, और मध्य प्रदेश की सरकार क्या क्या उनको सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है IT के सेक्टर में, वो सब हम उनको पूरा उनके सामने रखेंगे। अभी हमारा जो इंदौर का इन्वेस्टर होगा, मीट होगा, उसमें भी हमारा विषय आएगा। तो इस तरह से IT में मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, और इसमें अपार संभावना है। और भी कई चीज़ें हैं, हम IT के माध्यम से चाहते हैं कि हमारे पूरे हर डिपार्टमेंट के अंदर इसके माध्यम से हमारा जो GSI का सर्वे है, अब उसके लिए हमने अभी कुछ पोस्ट भी कैबिनेट से सेंक्शन की है, उसमें अभी नए हम 6 पद सृजित किए हैं, वो उसको हम और ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारा ये है कि अगर मान लो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है और वो कहता कि साहब मध्य प्रदेश में मुझे यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाना है और 300 एकड़ मुझे ज़मीन चाहिए, तो वो 300 एकड़ ज़मीन के पेपर्स हम उसको आधे घंटे के अंदर उससे निकाल के उसको दे दें पूरा रिकॉर्ड, ये इस स्टेट में हमारे पास इस जगह पर, इस लोकेशन पर ये जगह उपलब्ध है हमारे पास। तो उससे जो हमारे काम करने की, जो सुशासन की हमारी जो संकल्प है, वो हम उस व्यक्ति को एक आधे घंटे में उपलब्ध करा देंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में इस डिस्ट्रिक्ट में इस जगह पर ये 300 एकड़ ज़मीन, यानी हमारे पास पूरा स्टेट का रिकॉर्ड हो जाएगा जहाँ पर शासकीय भूमि हमारे पास उपलब्ध है। तो इस तरह से हर विभाग में सारी चीज़ें हमारी उसमें आ जाएँ, ये पूरा हम लोग कर रहे हैं, और उससे हम जो सुशासन का और विकास का जो हमारा संकल्प है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा BJP का, लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय जो देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, और मध्य प्रदेश में तो जिस तरह से स्वराज्य की लोकप्रियता है, प्लस उसमें अब नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता हो जाएगी, और जो परिणाम अभी विधानसभा में हमारे आए हैं उस परिणाम के हिसाब से अभी भी हम लगभग 26 में हम जीते हैं। और जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई नहीं मानता था कि हम 165 सीट जीतेंगे, और कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम कभी नहीं जीते, उदाहरण के तौर पर निवाड़ी है, सैलाना है, ऐसे उदाहरण आज मुख्यमंत्री जी ने दिए, पहले भी आप सबकी जानकारी में है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सीट हम नहीं जीत पाते थे, इस बार हम वो सीट भी जीतेंगे, और हमारा लक्ष्य 29 का जो लक्ष्य है, 29 लोकसभा जो हमारा मध्य प्रदेश का जो हमने तय किया है विजन 29,
उस विजन 29 को हम पूरा करेंगे और 29 ही लोकसभा सीट पर हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस को कहाँ पा रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस तो इस समय बहुत, मैं ये मान के चलता हूँ कि संकट के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। कांग्रेस के नेता भी इस बात को मानते हैं कि इस समय कांग्रेस जो है वो पूरे देश के अंदर, कांग्रेस के नेता स्वयं इस बात को कह रहे हैं और उनके नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की बातचीत वो कर रहे हैं, और उससे अब वो ये कहने लगे हैं कि साहब वो देश के अंदर थर्ड फ्रंट भी आ सकता है, उसकी भी सरकार हो सकती है, किस कैसे भी बीजेपी को रोकें। और कांग्रेस इस समय देश में बहुत ख़राब स्थिति में, नेतृत्व विहीन है कांग्रेस। कांग्रेस के खिलाफ जो तमाम आरोप हैं, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे बाकी लोग चीज़ों को लेकर हो, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, कि अब इस देश के अंदर अगर कोई मजबूत नेतृत्व नहीं आया, कोई मजबूत सरकार नहीं आई, तो ये देश जो है, यह देश आर्थिक रूप से यह देश बहुत पीछे चला जाएगा, महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और इसलिए इन सब परिस्थितियों में आज अगर देश के अंदर, अब आखिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चैलेंज कौन कर रहा है? हमने तो अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। कांग्रेस के पास तो आज कोई नेता ही नहीं है, वो ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई मुद्दे है, ना कोई फेस है, तो वो जनता के बीच में जाएंगे किस आधार? आप पार्टी कितना नुकसान पहुंचाएगी? तो मैं मान के चलता हूं कि आप पार्टी का कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। आप पार्टी जो है, आप पार्टी सिर्फ दिल्ली में इसलिए वहाँ पर इतनी उसमें सीटें लेकर आ गई कि वहाँ लोग कांग्रेस को हटाना चाहते थे, और जितना अच्छा विकल्प हम वहाँ पर दे सकते थे उसमें शायद हम कुछ कहीं पीछे रह गए। और नहीं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पार्टी सिर्फ दिल्ली के अंदर, वो भी दिल्ली के अंदर इसलिए कि दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, कॉमनवेल्थ का मामला था, रेप के मामले थे, और जो भारत सरकार के जितने भ्रष्टाचार का केंद्र तो दिल्ली ही था, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे कोयला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, इनका सबका सेंटर दिल्ली था। तो दिल्ली के व्यक्ति को लगता था कि कांग्रेस को हटाना है, और कांग्रेस को हटाना है तो लोगों को लगता था कि ये एक विकल्प हो सकता है। अब उसमें हम लोगों ने विकल्प हमें माना, फर्स्ट पार्टी के रूप में लोगों ने हमें ही वोट किया है, पर अब कुछ दो चार सीटों का फर्क रहा है, पर बहुमत तो आज भी हमारे साथ दिल्ली के अंदर, दिल्ली में बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम। पर कांग्रेस का आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने, जो आप पार्टी उनके सारे नेताओं के खिलाफ बोलती रही और कसम खाती रही कि हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस भाजपा का सब सहयोग नहीं लेंगे और ये दोनों पार्टी ऐसी हैं वैसी हैं, वही आप पार्टी कांग्रेस से समझौता करके सरकार चला रही, और ये पूरा पैक्ट है कांग्रेस का और आप पार्टी का। कांग्रेस को ये लगता है कि देश का यूथ जो है वो पूरा यूथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, और इसलिए यूथ को अगर वो लगता है कि आप पार्टी डिवाइड कर सकती, इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरा मीडिया भी इस समय, आप अब चार राज्यों में चुनाव हुए, 500 लगभग विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, 500 में से 400 बीजेपी जीती चार राज्यों में। पर आप कोई भी टीवी चैनल चालू करेंगे तो उसमें वो दिल्ली आप पार्टी, पानी का नल, वो कहीं स्टिंग ऑपरेशन, कहीं फलाना, कहीं ढिकाना, ये सब नाटक नौटंकी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब मैं मेट्रो से आ रहा हूँ, अरे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन तो जिस दिन से मेट्रो चालू हुई उस दिन से मेट्रो में जा रहे थे, हमारे मनोहर पाणिकर गोवा के मुख्यमंत्री आज भी स्कूटर से चलते हैं। तो ये कुल मिला के लोगों को गुमराह करना और मिसगाइड करना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देख सकते हैं आप, बीजेपी अब ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस इस समय हताश है, निराश है, और नेतृत्व की कमी कांग्रेस में बनी हुई है। कार्यक्रम क्रॉस फायर में आज इतना ही, लेकिन अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।